कि मैंने जन्म हिंदू में ले लिया है लेकिन मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। कि वो लोग जिनके ऊपर मर्डर का आरोप है, जिनके ऊपर रेप का आरोप है, वो किसी धर्म को मानते हैं कि नहीं। नाम बदल देना अगर नास्तिक निकल जाए या बुद्धिस्ट निकल जाए तो। माला इसलिए नहीं पहनता हूं क्योंकि जिंदा हूं, और गर्व है इस बात का मुझे कि तमाम सारे मुर्दों की फहरिस्त में मैं अभी जिंदा हूं। उन्हीं तथागत बुद्ध ने कहा था कि किसी व्यक्ति संगठन के गुलाम मत बनो। कुर्मी समाज के लोग नीरज पटेल को सम्मानित करेंगे, यादव समाज के लोग लक्ष्मण यादव को सम्मानित करेंगे, तो प्रजापति मर जाए, विश्वकर्मा मर जाए, उनको कौन सम्मानित करेगा? अगर इस जाति व्यवस्था को, इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ना चाहते हो तो नीचे से तोड़ दो, और यह मानना बंद कर दो कि मुझसे नीचे भी कोई है। उनके वाले को अगरबत्ती दिखाना पाखंड, और तुम्हारे वाले को दिखाना विज्ञान। कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, यह प्राप्ति हुई बुद्ध को ज्ञान की। जो आपने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी, उन प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा और जोड़ लो कि उनके अलावा भी हम किसी को देवता नहीं बनाएंगे, किसी को देवता की तरह नहीं पूजेंगे। लेकिन जब मैं पूछता हूं कि बुद्ध लिखने वाले कितने लोगों ने अपनी जातियों में शादियां करना बंद कर दिया, तो बुरा लग जाता है। जब लक्ष्मण यादव मेरे ताऊ के बेटे होंगे, स्वामी प्रसाद मेरा मेरे सगे चाचा होंगे, नौटियाल जी मेरे मौसी के बेटे होंगे, उस दिन जातियां टूट जाएंगी। वो बिचौलिया जो आपके और आपके तथाकथित ईश्वर के बीच में पैसा कमीशन खा रहा है, उसको तो बाहर निकाल दो। बड़े से बड़े मैंने सामाजिक न्याय के ठेकेदार, धुरंधर और हमारे जैसे बकैद देखे। जैसे ही जाति के नेता का नाम आता है फिसल जाते हैं, और जब तक अपनी अपनी जाति के नेता में सामाजिक न्याय ढूंढोगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह महामना रामस्वरूप वर्मा की धरती है, यह पेरियार ललई की धरती है। जिस दिन यहां का सचान कटियार लिखने वाला व्यक्ति पेरियार ललई की जयंती पर झूम के नाचने लगेगा, जिस दिन यहां का यादव महामना रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर झूम के नाचने लगेगा, परिवर्तन आ जाएगा। जिनकी दुकानें वहां ठीक ठाक चल रही है कुर्मियों के नाम पर, जिनकी दुकानें यादवों के नाम पर चल रही हैं, वो क्यों आपको एक होने देंगे? प्रजापति में धूड़िए वक्ता, चौरसिया में धूड़िए वक्ता, नाई समाज में धूड़िए वक्ता, जाटों समाज के अलावा धोबियों में धूड़िए वक्ता, खटीक में धूड़िए वक्ता, पासी में धूड़िए वक्ता, क्योंकि बुरा भले ही लग जाए लेकिन वक्त का तकाजा यही है। बुरा है भला है जैसा भी है, हमारी जाति वाला हमारा देवता है। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, एक हैं। नीरज पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संपादक साहब, क्यों ताकते हो इन मंचों पर गुनहगार की तरह, चाहते हो हक मिले तो छीन लो हकदार की तरह। माला इसलिए नहीं पहनता हूं क्योंकि जिंदा हूं, अभी मुर्दा नहीं हूं, और गर्व है इस बात का मुझे कि तमाम सारे मुर्दों की फहरिस्त में मैं अभी जिंदा हूं। इसलिए कृपया माला मुझे मत पहनाए कीजिए, माला उनको पहनाइए जिनके विचार ना सुनना हो, माला पहनाइए चलता कीजिए, जिनके विचार सुनना हो उनको माला मत पहनाइए। जिन तथागत बुद्ध के विचारों को लेकर के आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं, उन्हीं तथागत बुद्ध ने कहा था कि किसी व्यक्ति संगठन के गुलाम मत बनो। तो नीरज पटेल जिंदाबाद कैसे? कभी किसी व्यक्ति की जिंदाबाद इन मंचों से नहीं होनी चाहिए। केवल धर्म जिंदाबाद हो सकता है, उनके विचार जिंदाबाद हो सकते हैं, नीरज पटेल और लक्ष्मण यादव जिंदाबाद नहीं होने चाहिए। अगर जिंदाबाद करोगे, मालाएं पहनाओगे, तो विचार मर जाएंगे, हम भी उनकी तरह हो जाएंगे जिनको आप गालियां देते हो। इसलिए अनुरोध है कि सिर्फ हमारे विचारों तक फोकस करिए, और हमें इस आधार पर मत बुलाइए। भाई, कुर्मी समाज के लोग नीरज पटेल को सम्मानित करेंगे, यादव समाज के लोग लक्ष्मण यादव को सम्मानित करेंगे, तो प्रजापति मर जाए, विश्वकर्मा मर जाए, उनको कौन सम्मानित करेगा? ये जो जातिगत ठेकेदारी है,
मुझे इससे सबसे ज्यादा तकलीफ है। नारी समाज के लोग नीरज पटेल को सम्मानित क्यों नहीं करेंगे? हम जिस श्रृंखला को तोड़ने की बात करते हैं, उस वर्ण व्यवस्था के असली ठेकेदार हम खुद हैं। हम खुद हैं, इसलिए क्योंकि हम इतने कंफर्टेबल जोन में जीते हैं, हम अपने से ऊपर वाले को देख के उसको जातिवादी तो बताते हैं, लेकिन अपने से नीचे देखकर कहते हैं हम बहुत बड़े लंबरदार। कुर्मियों के साथ ठाकुर और ब्राह्मणों ने भेदभाव किया, उनने नीचे देखा, ये हमारे सामने कहां लग रहे। जब उनके साथ भेदभाव हुआ, उनने और नीचे देखा, बोले ये हमारे सामने कहां लग रहे। और नीचे पहुंचकर जाटवों के साथ भेदभाव हुआ, उनने और नीचे देखा, बोले ये हमारे सामने कहां लग रहे। और ये हमारे नीचे लगने की श्रृंखला में वो वर्ण व्यवस्था का जो क्रम है वो बना रहा। जब कोई सीढ़ी तोड़नी होती है तो सीढ़ी को ऊपर से तोड़ोगे तो फिर टिक जाएगी दीवार पे, नीचे से तोड़ दो भरभरा के गिर जाएगी। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि अगर इस जाति व्यवस्था को, इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ना चाहते हो तो नीचे से तोड़ दो, और ये मानना बंद कर दो कि मुझसे नीचे भी कोई है। ये स्वीकार करो खुले दिल से। मैं संवैधानिक आदमी हूं, इसीलिए अपने आप को शूद्र नहीं कहता, क्योंकि संविधान मुझे ओबीसी और पिछड़ा कहता है। लेकिन अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देखें, जो चर्चा लगातार होती है, अगर आप वर्ण व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं तो अपने आप को शूद्री में मत कहिए, संवैधानिक हो जाइए। लेकिन अगर उस पुरातन व्यवस्था के हिसाब से देखो तो हम सब में ब्लड रिलेशन था, क्योंकि हम सब लोग यहां शूद्र की संतानें बैठे हैं, सभी लोग। और इसलिए हम सबके तकलीफें, हम तब सबका दर्द एक है। अभी इस मंच से मैं सोच के कुछ आया था, लेकिन मेरे सहयोगी विनीत यादव ने रास्ते में पूछ लिया, भैया भीड़ बहुत है, फिर चीजें बदल क्यों नहीं रही। तो हमने कहा मंच से ही जवाब दे देता हूं कि चीजें बदल क्यों नहीं रही। चीजें बदल इसलिए नहीं रही क्योंकि मंचों से होता है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, और हम फंसेंगे नहीं। बार बार यही चीजें दोहराई जाती हैं मंचों से, यहां से दोहराया जाता है, वहां से दोहरा लेते हैं, और 22 प्रतिज्ञाएं जो दोहराई, सामान्य बात है उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना। अगर उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने के बाद अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर पा रहे हो तो फिर झोली बाबा वाला आएगा, खुद को फकीर कहलाएगा, जाल बिछाएगा, आपको फंसाएगा और आप फंस जाएंगे। इसलिए रट्टू तोता बनने से ज्यादा समझना जरूरी है। जिन तथागत और जिन बाबा साहब की आज हम विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अशोका धम्म विजयादशमी है, बाबा साहब ने तिथि के हिसाब से देखें तो आज ही बुद्ध धर्म ग्रहण किया था। अंतर समझिए, धर्म और धर्म में कुछ तो अंतर होना चाहिए, तो वो अंतर हमें भी करना चाहिए। उनके वाले को अगरबत्ती दिखाना पाखंड और तुम्हारे वाले को दिखाना विज्ञान, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा बुरा और हमारा अच्छा। अगर तथागत ने, पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, केजीएमसी के एक प्रोफेसर ने मुझे टोका कि नीरज भाई आप तो नास्तिक हैं, ईश्वर की सत्ता में भरोसा नहीं करते, फिर आप बुद्ध के कार्यक्रम में कैसे जा रहे हैं? मैंने उनसे सवाल किया, गौर से सुन लीजिएगा ये सवाल। सब लोग कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कहते हैं कितने लोगों को पता है कि क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बताइए? बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या प्राप्ति हुई? किसके बगैर? ये प्राप्ति हुई बुद्ध को, जिसको कहते हैं हम ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको यह प्राप्ति हुई कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, यह प्राप्ति हुई बुद्ध को ज्ञान की। और इसीलिए बुद्ध का धर्म नहीं है, धम्म है, जिसकी दीक्षा ली जाती है। बुद्ध ना भगवान है मेरी नजर में, वो वाला भगवान नहीं जो आप लोग कहते हैं, उसका एक साइंटिफिक रीजन है, वो ईश्वर वाला भगवान नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि वो वाला भगवान, तो उसमें जो आपने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी, उन प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा और जोड़ लो,
कि उनके अलावा भी हम किसी को देवता नहीं बनाएंगे, किसी को देवता की तरह नहीं पूजेंगे, तब वो बुद्ध का साइंटिफिक और वैज्ञानिक टेम्परामेंट पूरा होगा। वो तथागत बुद्ध जिनको इस विश्व का पहला वैज्ञानिक माना जाता है, वैज्ञानिक, आप उसी को पूजने लगे। इसलिए मैं उस बुद्ध का अनुयायी हूं जो कहता था कि किसी भी व्यक्ति विशेष के गुलाम मत बनो, किसी भी संगठन के गुलाम मत बनो। तो हम सबको, मेरा या किसी का, किसी भी व्यक्ति का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी और विचार समझने की जरूरत है। अब इसकी अगली लाइन बोल देता हूं। पैंथर जी ने मुझे बुलाया, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है क्योंकि इनका नाम हमेशा सुनता रहा हूं, और केजीएमयू के प्रोफेसर बोले बहुत खतरनाक जगह जा रहे हो। तो भाई दो चीजें ऐसी हैं जो भगत सिंह ने मुझे बताई कि क्रांतिकारी के पास दो चीजें स्थायी होनी चाहिए, एक तो स्वतंत्र विचार और दूसरा आलोचना। तो जब दो चीजें मेरे पास हैं, जेब में खाली हैं, बुलडोजर चलाने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मुझे किस बात से खतरा है बोलने में? पैंथर साहब इससे और कठिन प्रतिज्ञाएं दिलवा देते, वो भी मैं ले लेता। इसलिए क्योंकि वो मैं वो प्रतिज्ञाएं लेने का हकदार हूं, मैं खुले मन से बोल रहा हूं कि कोशिश करता हूं कि उन 22 प्रतिज्ञाओं का अपने जीवन में अक्षरशः पालन करूं, वरना मुझे इस मंच पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। तकलीफ मुझे यही होती है कि भाषण तो बड़े अच्छे दिए जाते हैं, अभी इसी मंच से 25 मिनट में इन सरकारों को गाली दूं, सब खुश हो जाएंगे, लेकिन जब मैं पूछता हूं कि बुद्ध लिखने वाले कितने लोगों ने अपनी जातियों में शादियां करना बंद कर दिया, तो बुरा लग जाता है। अगर आप बुद्धिस्ट हो गए, नाम के आगे बुद्ध लग गया, मतलब जाति खत्म हो गई। लेकिन हाँ, यहां ये क्लियर कर देता हूं, आरक्षण खत्म नहीं होगा, वो मिलता रहेगा। इसलिए अगर कोई बुद्ध की दीक्षा लेता है तो ये गलत फहमी मन से निकाल दे, ये भ्रम पैदा किया है, आरक्षण खत्म नहीं होता है। लेकिन जो उद्देश्य था बाबा साहब का कि मैंने जन्म हिंदू में ले लिया है लेकिन मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है, उसके पीछे रीजन यही था जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने लिखा है, जातियों का विनाश। और जातियां टूटेंगी कैसे? जैसे मैंने पहले बताया, जब लक्ष्मण यादव मेरे ताऊ के बेटे होंगे, स्वामी प्रसाद मेरा मेरे सगे चाचा होंगे, नौटियाल जी मेरे मौसी के बेटे होंगे, उस दिन जातियां टूट जाएंगी। यह असली तरीका है अंतरजाति विवाह का। जातियां देखकर खुश हो रहे हैं, जातियां देखकर माला पहना रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं वो तो सुन लो, उसको तो आत्मसात कर लो, वही असली दर्शन है। एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं आप लोगों को, जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं गौर से सुनिए, नास्तिक होना और बुद्ध का अनुयायी होना कितना कठिन है, गौर से सुनिएगा। अपने आस पड़ोस में किसी भी थाने की अपराधियों की लिस्ट उठा दो, तमाम यहां पुलिस वाले हैं, किसी भी थाने की, चैलेंज दे रहा हूं इस मंच से, किसी भी थाने में अपराधियों की लिस्ट निकाल लो, उसमें से एक भी रेपिस्ट बुद्धिस्ट निकल जाए, मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। एक भी मर्डरर उसमें से नास्तिक निकल जाए या बुद्धिस्ट निकल जाए, मेरा नाम बदल देना। तो फिर तुम्हारे धर्म ने सिखाया क्या? तुम्हें क्या सिखाया? चैलेंज देता हूं इस मंच से, खुली चुनौती, यहां का जो नजदीक का थाना हो वहीं जाके चेक कर लीजिएगा कि वो लोग जिनके ऊपर मर्डर का आरोप है, जिनके ऊपर रेप का आरोप है, वो किसी धर्म को मानते हैं कि नहीं। नाम बदल देना अगर नास्तिक निकल जाए या बुद्धिस्ट निकल जाए तो, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी और उस पायदान पर पहुंचने वाला व्यक्ति बहुत सारी चीजों से मुक्त हो जाता है, बहुत सारे राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। लेकिन असली वाला होना चाहिए, नाम के बाद लगाने वाला नहीं, असली वाला होना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक पैरामीटर है। अनुरोध एक बात का कर लेता हूं, इस मंच से बहुत कठिन आप लोगों को प्रतिज्ञाएं दिलवाई गई, मैं कहता हूं कि उतने कठिन स्तर पर भी मत जाइए, उसका एक पायदान पहले इस्तेमाल कर लीजिए। मानता हूं कि बहुत सारे पाखंडों को घर से बाहर फेंकना मुश्किल है, लेकिन वो बिचौलिया जो आपके और आपके तथाकथित ईश्वर के बीच में पैसा कमीशन खा रहा है, उसको तो बाहर निकाल दो, शुरुआत तो यहां से कर दो। हैरत की बात देखिए,
कि बुद्ध भी पूछते रहेंगे और बगल में देवी देवता भी पूछते रहेंगे, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इसीलिए विनीत ने जो मुझसे पूछा था कि इतनी भीड़ दिखती है कार्यक्रमों में, इतनी भीड़ होती है मंचों पे, सब कहते हैं पाखंड के विरोध में, अंधविश्वास के विरोध में, तो फिर वो पाखंड विरोधियों की, अंधविश्वास के विरोधियों की भीड़ जाती कहां है? वो समस्या ये है कि वो कार्यक्रमों तक सीमित रहती है, घर जाने के बाद ये हो जाता है हमारी पत्नी नहीं मानती, हमारे बच्चे नहीं मानते। नहीं मानते तो ये जो कार्यक्रम है ना, आप लोग कहते हो कि विकल्प नहीं है, विकल्प ऐसे कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों में एक बार लाओगे, दो बार लाओगे, तीन बार लाओगे, रस्सी रस्सी सिल पर घिसेगी, अंतर दिखाई देगा। ऐसे कार्यक्रम उन तमाम चीजों के लिए विकल्प की तरह हैं, इसलिए इन कार्यक्रमों में आने की जरूरत है। पैंथर साहब ने नाम पता नहीं किस हिसाब से रखा होगा, लेकिन मुझे अभी एक बात ध्यान में आ गई बोलते बोलते, पैंथर की संख्या भारत में ठीक ठाक है, जो विलुप्त हो गए उनको विदेश से लाया जा रहा है। तो ठीक ठाक का मतलब कि पैंथर बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों को उन पैंथरों से संख्या बढ़ाने के लिए विदेश से लाया जा रहा है, इसलिए यह मूल निवासी लोगों का संगठन है, पैंथर का संगठन है। लेकिन यह पैंथर हिंसक नहीं है, वो अशोक स्तंभ वाला, शांत मुद्रा वाला, गंभीर मुद्रा वाला शेर है, गंभीर शासक है, जो कहता है कि अगर मेरे सामने मेरी गरीब निरीह जनता पर हमला करोगे तो तुम्हें खींच लूंगा। ये वो वाला पैंथर है, वो हिंसक पैंथर नहीं है जो अपने ही कमजोर मजलूम लोगों पर आक्रमण करता है, ये वो वाला पैंथर नहीं है। तो मैं फिर से उसी बात पे लौट के आता हूं कि बदलाव क्यों नहीं हो रहा। जब फेसबुक पर मैं चेक करता हूं तथा कथित जागरूक लोगों को, लोग कहते हैं कि गांव की तरफ चलने की जरूरत है, शहरों में लोग जागरूक हो गए। जब उन जागरूक लोगों के मुझसे पूछा गया, नीरज भाई जातिवाद का पैमाना क्या है, कोई थर्मामीटर है आपके पास कि आप तय कर लेते हो कि ये फलाना व्यक्ति जातिवादी है कि नहीं है? मैंने कहा एक से बढ़कर एक जागरूक के सामने उसके जाति के नेता को आधे घंटे गाली दो, जातिवाद बाहर आ जाएगा। बड़े से बड़े मैंने सामाजिक न्याय के ठेकेदार, धुरंधर और हमारे जैसे बकैद देखे, जैसे ही जाति के नेता का नाम आता है फिसल जाते हैं। और जब तक अपनी अपनी जाति के नेता में सामाजिक न्याय ढूंढोगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस दिन ये महामना रामस्वरूप वर्मा की धरती है, ये पेरियार ललई की धरती है, जिस दिन यहां का सचान कटियार लिखने वाला व्यक्ति पेरियार ललई की जयंती पर झूम के नाचने लगेगा, जिस दिन यहां का यादव महामना रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर झूम के नाचने लगेगा, परिवर्तन आ जाएगा। किसी भी मंच के ठेकेदार, किसी राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है इस एकता के लिए। दिल से दिल मिलाओ, राजनीतिक तो अपनी दुकानदारी चलाते ही चलाते हैं। जिनकी दुकानें वहां ठीक ठाक चल रही है कुर्मियों के नाम पर, जिनकी दुकानें यादवों के नाम पर चल रही हैं, वो क्यों आपको एक होने देंगे? इसलिए जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिनको जागरूक माना जाता है उनकी फेसबुक की डीपी आप चेक करिए, आप बता देंगे किस जाति का है। आप उनका प्रोफाइल चेक करिए, आप उनकी फेसबुक की डस्ट पोस्ट चेक करिए, आप बता देंगे कि किस जाति का है। तो खाक बदले, तुम खाक बदले। फेसबुक का ट्रेंड देखिए, पाखंड विरोध, पाखंड विरोध, तीन पोस्ट में पाखंड विरोध, पाखंड विरोध, पाखंड विरोध, चार पोस्ट में बीजेपी का विरोध, सातवीं पोस्ट में अपनी जाति के नेता का समर्थन। यह सामाजिक न्याय है। अब एक और तकलीफ व्यक्त कर लेता हूं, कुर्मियों की संख्या ठीक ठाक है तो नीरज पटेल की दुकानदारी ठीक चल रही है कि भाई बुलाओ, पटेलों को ठोकेंगे, ये ठीक आदमी रहेंगे बुलाने के लिए। यादवों की संख्या ठीक ठाक है, राजनीति में हस्तक्षेप है तो लक्ष्मण भाई को बुला लीजिए। फिर वो समाज रामेश्वर शिवदयाल चौरसिया के लोगों को कौन बुलाएगा? फिर कर्पूरी ठाकुर जी के लोगों को कौन बुलाएगा? कौन इनकी चर्चा करेगा? इसलिए मेरा एक निवेदन है, ये बात बिल्कुल सही है कि लोग कम मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं। इस मंच पर आगे से ध्यान रखा जाए, इस मंच पर या तमाम मंचों पर, कि भले ही हम लोगों को ना बुलाइए, हम लोगों की दुकानदारियां ठीक ठाक है, विधायक पर की लिस्ट बनाने के लिए पर्याप्त है, डीएम के लिस्ट बनाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन
जिन समाजों को अन्य लोगों ने भी छोड़ा उनको आपने भी छोड़ा। प्रजापति में ढूंढिए वक्ता, चौरसिया में ढूंढिए वक्ता, नाई समाज में ढूंढिए वक्ता, जाटा समाज के अलावा धोबियों में ढूंढिए वक्ता, खटीक में ढूंढिए वक्ता, पासी में ढूंढिए वक्ता, क्योंकि बुरा भले ही लग जाए लेकिन वक्त का तकाजा यही है, यही वक्त का तकाजा है। हम अगर सामने वाले को चुनौती देना चाहते हैं तो भले ही दिखावे के लिए सही, लेकिन उसी तरह के मुखौटे यहां रखें। इसलिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांसीराम साहब का एक नारा रट लिया, कांसीराम साहब का एक नारा और रट लिया कि बिना सत्ता परिवर्तन के, सत्ता परिवर्तन ही सभी चीजों की कुंजी है, बिना उसके हुए कुछ कोई अधिकार हासिल नहीं हो सकते। दो चीजें रट ली ताकि उससे फायदा है ना, दो चीजें रटने में जो ज्यादा संख्या में है उनका दुकानदारी अपनी चलती रहेगी। लेकिन तीसरी बात जो कांसीराम साहब ने उतनी ही तीव्रता के साथ, उतनी ही प्रमुखता के साथ कही कि सामाजिक परिवर्तन के बिना जो राजनीतिक परिवर्तन होगा वो बहुजनों के किसी काम का नहीं, वो नहीं रटी, वो नहीं रटी। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे बीच का कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ उस व्यक्ति को कर रहा है उसका समर्थन करिए, मगर फिर से कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय अपनी जाति में मत तलाशिए। कि अनुप्रिया पटेल 2.5 साल पहले संसद में कुछ बोली थी 2 सेकंड का, उस वीडियो को शेयर करके कहा जाए कि ये हमारा सामाजिक न्याय है, और अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव में यादव ढूंढे कि ये वाला हमारा सामाजिक न्याय है। क्रॉस करने की जरूरत है इस देश में, जो भी नेता जो भी व्यक्ति बहुजन समाज के लिए अच्छा काम करे, खुल करके लड़ाई लड़े। अब इसी बात से एक बात याद आ गई कि एमके स्टालिन की तारीफ करने वाले लोग अगर एमके स्टालिन चुनाव लड़ने आ जाए उत्तर प्रदेश में तो जाति खोजेंगे पहले। जो एमके स्टालिन की आज तारीफ कर रहे हैं वो एमके स्टालिन की भी जाति खोज लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग, इसलिए नहीं कि आज मंच पर बैठे हैं, बीच में थोड़ा चले गए थे, लेकिन सम्मान इसलिए करता रहा उनका लगातार क्योंकि वहां रह करके भी बुद्ध की परंपरा को नहीं छोड़ा, इस बात पर गर्व है। और यह बात फैक्ट बता रहा हूं कि बड़े बड़े मठाधीशों में हिम्मत नहीं है कि इस तरह के मंच पर आ जाएं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति हिम्मत कर रहा है तो मुक्त कंठ से उसकी तारीफ करने की भी जरूरत है, और यह भी है कि जहां गलत समझ में आए मन से उतारने की भी जरूरत है। बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, हमने जो एक्स्ट्रा गुलामी शुरू कर दी, एक्स्ट्रा गुलामी, कि अब नीरज पटेल गलत हो ही नहीं सकते, लक्ष्मण यादव गलत बोल ही नहीं सकते, इसी मानसिक गुलामी ने आपके नेताओं को देवी देवता बना दिया। पहले राजा रानी बनाया फिर देवी देवता बना दिया, और आपने मान लिया कि हमारी देवी हमारा देवता जो कुछ भी करेगा, चाहे पैसों से लद जाएगा, सूंड पकड़ लेगा, फरसा पकड़ लेगा, फिर भी रहेगा हमारा देवता। बुरा है भला है जैसा भी है, हमारी जात वाला हमारा देवता है। तो बहुत सारे वक्ता हैं, आप लोगों का समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करूंगा, बस इतना अनुरोध करूंगा कि चूंकि मीडिया का व्यक्ति हूं कि सोशल मीडिया पर लिखते समय, युवा लोग ध्यान से सुने, सोशल मीडिया पर लिखते समय क्या लिखना है से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं लिखना है। आपको बेवजह की पोस्ट में उलझने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग हैं। आप सुबह से उठिए अपनी फेसबुक पोस्ट में मुद्दे लिखिए, अगर लिखोगे कि जातिवार जनगणना चाहिए कौन सी धारा के तहत अपराध है, अगर लिखोगे कि प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए कौन सी धारा के तहत अपराध है, अगर लिखोगे कि समुचित हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए लेटरल एंट्री नहीं चाहिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में एनएफएस किया जा रहा है वो नहीं चाहिए, तो कौन सी धारा के तहत अपराध हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ इतना अनुरोध कर रहा हूं कि बेवजह के झंझटों में युवाओं का भविष्य मत फंसाइए, जोश के साथ होश रखने की जरूरत है। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद।